तो दोस्तों फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, बाबा हेड़ा खान का मंदिर का द्वार आप देख रहे हैं। आज मौसम काफ़ी खूबसूरत था, धूप आई थी काफ़ी क्लियर सुबह से। ये देखिए नज़ारा, ये नदी है, नदी के ठीक तट पे ये मंदिर बना हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर द क्लासिक ट्रेवलर। दोस्तों आज हम जा रहे हैं हेड़ा खान बाबा आश्रम, मंदिर है जो गोला पहाड़ से ऊपर पड़ता है। हेड़ा खान एक जगह है, हल्द्वानी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास में है, और यहाँ से हम जाएँगे गोला पहाड़ वाली रूट जो नीचे को जा रही है, उस रोड में जाएँगे। तो चलते हैं, आगे का सफर आपको दिखाते हुए ले चलते हैं। ये है वो दोस्तों रोड, यहाँ से हमें अंदर ले लेना है और आगे हमें गोला पहाड़ का पुल आएगा, पुल क्रॉस करना है हमें। ये है दोस्तों वो पुल गोला नदी का। दोस्तों हमें लेफ्ट साइड जाना है, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर को हेड़ा खान वाली रोड है। और इस रोड में काफ़ी सारे मोड़ हैं, तो आप लोग ध्यान से चलाइए। टू व्हीलर आप लेके जाते हैं, स्कूटी लेके जाते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ की आदत है। और यहाँ पर देखो स्लाइड हो रखा है, ये 2-3 साल पहले की स्लाइड है, इसमें आता रहता है। तो यहाँ पर बरसात के टाइम में काफ़ी दिक्कत रहती है, और रोड भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए आप, पूरा मलबा आ रखा है। तो आज के दिन जो था काफ़ी धूप थी, अच्छी धूप थी, इसलिए हमारा जाने का रहा प्लान। अच्छा चलो चलो चला लो सीधे। तो दोस्तों ये है हल्द्वानी का व्यू, आप देख रहे हैं इस तरफ है हल्द्वानी काठगोदाम, और आगे आप देखिए हल्द्वानी, इस पार आपका गोला पार हो गया। और आगे आपको ठीक सामने यहाँ पे स्टेडियम है, और ये गोला नदी है, आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है आज हल्द्वानी पे। ये है दोस्तों रोड का हाल, आप देख रहे हैं काफ़ी गंदी रोड की है, और इस तरह से हम लेके आए गाड़ी, ये आप देखिए। आराम से कमल भाई, आराम से, अब नीचे ले लो यार, नीचे। तो दोस्तों आपने देखा नीचे
ऐसा एडवेंचर वाले रोड हो रखी है, खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रखी है। हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से आए और मेरा पैर देखिए आप, ये देखिए ऐसे हो गया है, खतरनाक हो गया है। और आगे देखते हैं कैसी रोड है। हम जा रहे हैं हेड़ा खान मंदिर हल्द्वानी से, देखते हैं कितना दूर है और काफ़ी आपको दिखाएंगे। आगे निकल गया है ऐसे एडवेंचर ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, खतरनाक रोड हो रखी है। आज धूप है इसलिए, तो चले चलते हैं ना। तो दोस्तों हम हेड़ा खान पहुंचने वाले हैं और यहां का दृश्य देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत मनमोहक आम के पेड़ हैं। रोड दोस्तों कहीं कहीं पे सही रोड है, एकदम बढ़िया रोड, और कहीं कहीं पे रोड काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे आपको ध्यान से रोड चलना होगा। ये देखिए और नज़ारा जो है काफ़ी खूबसूरत है, घने पेड़ हैं, घना जंगल है और मंदिर वाली लोकेशन पे काफ़ी शांति है। नदी के तट पे मंदिर बना हुआ है और यहाँ से हमें लेफ्ट और जाना है। करीबन 2.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे मंदिर में, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब थी इसीलिए। ये गोला वाली नदी है दोस्तों, काफ़ी फैला हुआ एरिया है, शायद आने वाले समय पे यहाँ पे डैम बनने वाला है ऐसा सुनने में आया हमें। तो मंदिर वाले परिसर में इंटर हो चुके हैं और नज़ारा देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों ये एक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा केंद्र है हेड़ा खान बाबा जी का, बाबा हेड़ा खान जिनके नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, ये चिकित्सालय है उनका नैनीताल। तो दोस्तों फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं बाबा हेड़ा खान का। 2.5 घंटे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, 2 बजे रास्ता लगे थे, अभी 4:30 बजे हुए हैं। ये देखिए मंदिर का द्वार आप देख रहे हैं। आज मौसम काफ़ी खूबसूरत था, धूप आई थी काफ़ी क्लियर सुबह से। ये देखिए नज़ारा, ये नदी है, नदी के ठीक तट पे ये मंदिर बना हुआ है बाबा हेड़ा खान का। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, क्लियर मौसम आप देख रहे हैं। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये देखिए पार भी आप देख रहे हैं, एक मंदिर है, अभी यहाँ के बारे में जानकारी उतनी है नहीं। ये देखिए तो दोस्तों ये देखिए नज़ारा, हेड़ा खान का जो मंदिर है पार भी है वही मंदिर है, वल मेन मंदिर, लेकिन अभी बरसात का टाइम में नदी का जैसे बड़ा हुआ तो पुल नहीं है वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं नज़ारा देखिए आप, यहाँ से तो और भी कम दिख रही हो ज़्यादा हो। तो ये देखिए दोस्तों ये है मेन द्वार मंदिर का। जानकारी के अनुसार दोस्तों हेड़ा खान बाबा जी जो थे, यहाँ हेड़ा खान के ऊपर टॉप पे हिमालय में ये एक गुफा के अंदर थे और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर ध्यान में थे, और उसके बाद किसी ने देखा और ये एक ही स्थान पे ध्यान कर रहे थे, और इनका जो मम्मी पापा है फैमिली है किसी को कुछ भी पता नहीं है कहाँ से आए हैं क्या आए हैं। उसके बाद ये वृंदावन गए वहाँ पे तपस्या करने के बाद, वृंदावन जाने के बाद फिर दोबारा ये यहाँ पर आए और उसके बाद मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया, मंदिर बनाया गया और उसी के हिसाब से चल रहा है। और काफ़ी शांत जगह में मंदिर है और बाबा काफ़ी कुछ जानते थे और काफ़ी कुछ आभास करते थे, लोगों के बारे में बताते थे, पता चलता था। तो
काफी शक्ति थी उनमें। और यहाँ पर जो है अभी जो हम आए हैं, ये मंदिर नहीं है, वैसे ये आश्रम है। और इनका जो मंदिर है नदी के तट पार है, ये आश्रम है इनका। ये पादुकाएं हैं इनके, और ये पूरा मंदिर का जो आश्रम है इसके अंदर ये आश्रम है पूरा। ये आप देखते हैं यहाँ पर शांति से आप शांत करके एक ध्यान की ध्यान में बैठ सकते हैं। और इनकी प्रतिमा बनी हुई है नदी के ठीक तट पे, ये मंदिर बना हुआ है। काफ़ी शांत एरिया है, काफ़ी सुकून की अनुभूति यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों उसके बाद बाबा जी ने यहाँ पे इसी स्थान पे समाधि ले ली थी, ये बताते हैं यहाँ के लोग। ये उनकी प्रतिमा है दोस्तों, ये आश्रम के अंदर बना हुआ है। यहाँ की गांव लोकेशन, और ये बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं जिसमें आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, रह सकते हैं। ये है दोस्तों पूरा मंदिर परिसर है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, कमरे भी आपको रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। 400 रुपये पर डे, 2 से 3 दिन आप मिनिमम यहाँ पर रह सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे रूम हैं, खाना भी 400 में ही आपका रहेगा। शांति बिल्कुल मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं, और गाड़ी आप यहीं पर तक ला सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ रखी है बाइक। चलिए फिर चलते हैं, 5 बज गए, हल्द्वानी जाना है 2 घंटे के अंदर।